नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंक इन डीजी पर। दिस इज दिव्या गुप्ता। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो जो आपके लॉजिकल रीजनिंग की सीरीज थी उसमें है आज आपका पार्ट नंबर 13 और 500 लॉजिकल रीजनिंग की एक बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज आप लोगों के लिए चल रही है, ठीक है। इससे पहले ऑलरेडी इसमें 12 क्लासेस मैं ले चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो गाइज जाके देख लीजिएगा, सारी बेहद इंपॉर्टेंट है। बेसिक से लेके एडवांस तक की क्लास चल रही है। छोटे छोटे सेट रखे हैं जिससे कि जब आप पढ़ो ना तो आपको रिवाइज करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। छोटे छोटे सेट क्या होता है, हम लोग जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हर हफ्ते अनअकैडमी का एक कॉम्बिट होता है, ठीक है, जिसमें हम लोगों को देखने को मिलता है, जिसमें आप स्कॉलरशिप टेस्ट जीत स्कॉलरशिप जीत सकते हो। 36 क्वेश्चंस होते हैं 50 मिनट में, हर संडे को होता है ये 10 बजे। फ्री लाइव टेस्ट रहता है ये, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहता है ये। आपको करना क्या है, बस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है और इसको एनरोल करना है। एनरोलिंग के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, जो कि कोड अभी आपको आगे दिख जाएगा। अगस्त के बहुत सारे प्लस के ऑफर्स चल रहे हैं, बेस्ट प्लेटफॉर्म है बैंक प्रिपरेशन के लिए, तो आप कोड यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ DBZ लाइफ। चलो तो एक लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ था, ये वाला, आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व करा होगा, ठीक है। चलो क्या था, क्या सभी 21 वर्ष से नीचे के युवाओं को बियर बार में जाने की अनुमति दी जानी चाहिए, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हमको आर्गुमेंट देने हैं। तो देखेंगे यहाँ पर कि इसमें आर्गुमेंट क्या है, मतलब कि जो भी 21 साल से नीचे के युवा होते हैं ना, उनको बियर बार में जाने की अनुमति देनी चाहिए। तर्क, नहीं, 18 वर्ष से ऊपर की आयु के युवक जो मतदान कर सकते हैं उन्हें मनोरंजन करने से रोकना सही नहीं है। अच्छा, अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, तो हम ये बोल रहे हैं तो ये हो गया नहीं, मतलब ये बोल रहे हैं नहीं, 18 वर्ष से ऊपर की आयु के युवक। देखो यार, यहाँ ये मत सोचना बियर हानिकारक है कि नहीं है। 18 साल से ऊपर का एक बच्चा एक एडल्ट हो चुका होता है और वो खुद में इतना मैच्योर इनफ होता है कि वो ये डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल उसके पास राइट है। मतलब अगर गवर्नमेंट ने वोट करने का अधिकार दे दिया 18 साल से ऊपर, तो 18 साल से ऊपर उसको ये भी अधिकार मिल गया है कि उसको मनोरंजन करना चाहिए। अब कैसे करना चाहिए, तो इस वजह से ये एक पॉजिटिव है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम अनुमति नहीं दें, हम नहीं रोक सकते, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हाँ, ऐसे पब के प्रवेश शुल्क को बढ़ाया जाना चाहिए, कोई बात नहीं होती है, और भी लोग आते हैं। नहीं, पश्चिमी देशों में ऐसा कंपैरिजन तो भैया करना ही नहीं है, मैंने आपको बताया लॉजिकल में कंपैरिजन तो भूल जाओ बिल्कुल। हाँ, इससे युवाओं को गलत संगत और बुरी आदतों से बचने में मदद मिलेगी, बिल्कुल ये भी सही है। तो ये भी इंडिविजुअल सही है कि आप नहीं रोक सकते, और ये भी सही है क्योंकि युवा, क्योंकि एक युवा है तो उनको गलत संगत और बुरी आदतों से मदद मिलेगी। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ, दोनों के दोनों सही। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7।
चलिए गाइस, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, आपको बोला गया है सप्ताह के अधिकांश दिनों में क्षेत्र के सभी स्कूलों को बंद रखा जाना था, ठीक है। मतलब कि जो वीकेंड है ना, सप्ताह के सॉरी पूरे वीक के काफी ज्यादा दिनों में क्षेत्र के स्कूल बंद रखे जाने थे, ठीक है। सेकेंड है, कई अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्थानीय स्कूलों से निकाल दिया। दोनों ही अलग अलग पॉइंट है, तो दोनों ही प्रभाव है, निकाल लेना स्कूल का बंद रहना दोनों इफेक्ट है, और दोनों अलग अलग कारणों का प्रभाव है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए बात करेंगे। सरकार ने अन्य देशों के साथ व्यापार समझौते के अनुसार बड़ी मात्रा में चीन का आयात किया है, ठीक है। मतलब कि काफी ज्यादा सॉरी चीन बोला मैंने चीनी का आयात किया है, मतलब काफी ज्यादा शुगर को इंपोर्ट किया गया है काफी सारे देशों के साथ में समझौते करने के बाद, ठीक है। तो कुछ इफेक्ट निकल के आ रहा है ये। घरेलू बाजार में चीनी की कीमतें हाल ही के महीनों में तेजी से गिरी है। मतलब देखो, जब प्राइस गिरती है ना डोमेस्टिक मार्केट में, मतलब हमारे पास में वो जो मटेरियल है ना वो बहुत ज्यादा है, तो अगर मटेरियल बहुत ज्यादा है तो हम उसका आयात कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर तो मतलब देखो, ये दोनों तरीके से हो सकते हैं। यहाँ तो आयात हो रहा है, इसका मतलब हमारे पास ना मटेरियल बहुत ज्यादा आ गया है, और अगर मटेरियल बहुत ज्यादा आ गया है हमारे पास, बहुत इंपोर्ट हो गया है, तो इसका मतलब चीजें के रेट क्या होंगे, गिर जाएंगी। अगर सामान इनफ है हमारे पास तो रेट गिरेगी। तो ये हो जाएगा पहला जो है आपका कॉस्ट है, और दूसरा जो है वो क्या निकल के आ रहा है, इसका इफेक्ट निकल के आ रहा है। तो भाई आयात किया गया जिसकी वजह से रेट्स क्या हो गई, गिर गई। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए गाइस देखते हैं। राजधानी में रेस्टोरेंट में नए शराब लाइसेंस जारी ना करने के फैसले के साथ
महीने बाद दिल्ली सरकार ने प्रतिबंध हटा लिया और कहा कि नए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू होगी। मतलब कि पहले क्या किया गया था, जो लिकर लाइसेंस होते हैं ना, लिकर लाइसेंस होते हैं उनको बैन कर दिया गया था, लेकिन अब 7 मंथ बाद क्या हुआ है, 7 मंथ बाद ये देखने को मिला है कि वापस से उनको वापस से जो है लाइसेंस मिल सकते हैं, कब से, शुक्रवार से। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि सरकार ने जो ये निर्णय लिया है ना, इसके परिकल्पित हाइपोसाइट मतलब होता है कि इससे पहले सरकार के दिमाग में क्या आया होगा कि भाई फिर से स्टार्ट करने के बारे में सोचा है। तो डेफिनेटली कुछ तो ऐसा दिमाग में रहा होगा ना जिससे उन्होंने फिर से ये स्टार्ट करने के बारे में सोचा, तो वो सोच आपको बतानी है कि ऐसा क्या रहा होगा। ठीक है, अब सोचते हैं यहाँ पे पहला क्या है। कई मालिकों ने इस धारणा पर अपने रेस्टोरेंट में बहुत निवेश किया था कि वे शराब को परोसने में सक्षम हो जाएंगे। जब नए लाइसेंस जारी ना करने का निर्णय लिया गया तो वे परेशान हो गए। निर्णय रेस्टोरेंट मालिकों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आया जो अपने उद्यमों को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल सही है भाई, ये सोच रही होगी ना कि काफी सबने बहुत इन्वेस्टमेंट कर लिया है, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे इसके बाद में। सेकेंड, यह निर्णय सरकार को यह आश्वासन देकर लिया गया था कि रेस्टोरेंट में शराब पर प्रतिबंध लगाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि दिल्ली में लगाया गया प्रतिबंध ग्राहक को कहीं और ले जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण है, इससे पड़ोसी राज्यों के राजस्व पर वृद्धि होगी। बिल्कुल सही है। आप एक बात बताओ, सीधी सी बात है यार, अगर इंसान को बियर कंजम करना है तो करना है, ठीक है, आप नहीं रोक पाओगे उसको। वो आज दिल्ली से नहीं लेगा, वो पास की सिटी में चला जाएगा, वो दूसरी स्टेट में चला जाएगा, तो कुल मिला के दिल्ली का तो लॉस ही हो रहा है ना। तो वो अपना लॉस तो करेगी नहीं, जब या तो इंसान ने छोड़ दिया और छोड़ा तो है नहीं, जिस वजह से ये भी सही है। दिल्ली की आप सरकार शराब लाइसेंस देने, शराब का प्रचार करने के लिए अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई, जो नशे की लत से लड़ने के लिए आपकी प्रतिबद्धता के खिलाफ थी। इरिलेवेंट है, नेगेटिव पॉइंट है। तो ये हम हटाएंगे और बात करेंगे फर्स्ट और सेकंड की। 10 चलिए गए सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। क्या बोला गया है, डोप नियंत्रण पर कड़ा रुख अपनाते हुए खेल मंत्री विजय गोयल ने जोर देकर कहा कि प्रतिबंधित पदार्थों के उपयोग और आयात को रोकने के लिए सरकार ने डोपिंग विरोधी कठिन उपायों को अपनाने का फैसला किया। आप जैसे कि जानते हो कि काफ़ी सारे खेलों में ऐसा देखा जाता है कि काफ़ी सारे जो स्पोर्ट्स मैंस होते हैं, स्पोर्ट्स वुमेन होती हैं, वो ऐसी सारी चीज़ें कंजर्व करते हैं जिससे कि उनको कहीं ना कहीं एनर्जी फील होती है, जो कि एक तरीके से ड्रग्स के फॉर्म में काम करते हैं। तो उसके लिए कुछ फैसले किए गए हैं। तो अब आपको ये बताना है इन पॉइंट में से कौन सा लाइन में नहीं है। अगर जो थोड़ा सा भी मैच नहीं करेगा ना, वही आंसर होगा, याद रखिएगा। मतलब जो जो थोड़ा सा भी मैच करेगा वो आंसर नहीं होगा। अगर स्टेटमेंट से रिलेटेड थोड़ी सी भी बात की गई है तो वो आंसर नहीं होगी। पहला,
कई भारतीय एथलीटों द्वारा सकारात्मक डोप परीक्षकों के पीछे प्रतिबंधित पदार्थों सहित सप्लीमेंट का इस्तेमाल किया गया था, और सरकार इस तरह की खुराक के आयात और उपयोग को प्रतिबंधित करने की कोशिश कर रही है। अब क्या ये लाइन में नहीं है भैया? ये लाइन, ये तो लाइन में है, और अगर ये बात आपकी लाइन में है तो ये आंसर हो सकती है क्या? आपको बोला गया है नॉट इन लाइन, ठीक है? आपको ये बताना है कि कौन सा नॉट इन लाइन, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन लाइन विद द अबव स्टेटमेंट। तो पहला तो लाइन में है ना, आंसर नहीं होगा। दूसरा, दूसरा दिया जा रहा है उपमानक और डोप युक्त, इसमें भी यार वही डोपिंग की बात की है, ये भी लाइन में है। ये आपका अलग है कि NADA के FSSAI, इनके बारे में अलग बात हो गई है यहाँ पर, तो ये ही लाइन में नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज, क्योंकि ओनली थर्ड ऑप्शन में है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए गाइस, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? योगा उतना सुरक्षित नहीं है जितना इसे माना जाता है, ऐसा एक हाल में हुए अध्ययन का कहना है। यह बताता है कि योगा आरंभिक काल की तरह सुरक्षित नहीं है जैसा पहले दावा किया गया था। तो अब आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट देना है, ठीक है? चलो देखते हैं। पहला मतलब जो स्टेटमेंट बोल रहा है ना, वैसे ही आपको कुछ स्ट्रॉन्ग बताना है। योगा को मानसिक, शारीरिक और साथ ही साथ आध्यात्मिक स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है, और अधिक आराम की अनुभूति दायक भी माना जाता है। बिल्कुल, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, यही तो बोल रहे हैं हम लोग स्टेटमेंट के अंदर, तो ये सही है हमारा, ठीक है? सेकंड बात करेंगे इसके बाद में। नया वैज्ञानिक अध्ययन ये दावा करता है कि योगा पुराने जख्मों के लिए हानिकारक है, और ये हड्डियों मांसपेशियों में दर्द का कारण बनता है, ठीक है? तो भाई ये भी सही है। देखो कभी भी आर्गुमेंट में ना डायरेक्टली बात नहीं होती है, इनडायरेक्ट बात होती है। इन्होंने ये क्या कहा, उतना सेफ नहीं है, मतलब ये सही है, सेफ नहीं है। तीसरी मतलब उतना हेल्दी नहीं है ना। अब ये उग्रता से कहा जाए तो योगा के कारण दर्द के एक तिहाई से अधिक मामले जो कि हाल के 3 महीनों में संबंधित हैं, योग में प्रतिबाधिता को रोकने के लिए पर्याप्त हैं। ये भी सही है, एक तिहाई आप बोल सकते हो, उतना नहीं है लेकिन थोड़ा तो है। वैश्विक स्तर पर लोग मांसपेशियों और हड्डियों से संबंधित विकारों का इलाज करने के लिए योगा को वैकल्पिक उपाय मानते हैं। सही है, क्योंकि बोला गया है कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि पहले मतलब पहले तो ये था कि दावा किया जा रहा था, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दी अबव। चलिए गाइस, ये अब आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पार्ट नंबर 13 में। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द PDF के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा बैंकिंग डीजी, और सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे, टेक केयर।